Hello everybody, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching X Sattar. Today we are going to discuss once again a very important grammar, that is degrees of comparison. Adjective jo part of a speech hai hamara, aap sab jante honge, uski degrees hoti hai. Degrees yani ke positive, comparative aur superlative. Ye likhi bhi hai maine, yani ke koi aadmi acha ho sakta hai. लेकिन उस अच्छे आदमी से भी कोई ज्यादा अच्छा हो सकता है और दोनों से भी कोई और अच्छा हो सकता है, यानी सबसे अच्छा भी कोई हो सकता है. तो डिग्रीज यही होती है, अच्छा उससे अच्छा, सबसे अच्छा, खराब उससे खराब, सबसे खराब. लेकिन इन डिग्रीज को ही याद कर लेना काफी नहीं होता, हमें एग्जाम में इन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करके पॉजिटिव को कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और फिर कभी कभी सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, हमें आपस में इन्हें चेंज करने के लिए कहा जाता है. इन फैक्ट वी हैव टू यूज दीज डिग्रीज इन सेंटेंस एंड वी आर नॉट सपोज टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. हमें वहां पर सेंटेंसेस के मीनिंग को बिल्कुल भी मुतासिर होने नहीं देना है. यानी वी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू बी चेंज्ड. ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव रिटन ओवर हियर, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को चेंज तो कर देते हैं लेकिन उसके मीनिंग को हम चेंज नहीं होने देते. इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, मैं एग्जांपल्स देकर आपको क्लियर करूंगा इस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिग्रीज के, हम सेंटेंस को कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि हम हमारी किस तरह से चेंज होती है. लॉन्ग यानी कि लंबा, लॉन्गर उससे ज्यादा लंबा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाती है इसकी लॉन्गेस्ट. आमतौर से कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर बन जाती है और सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाकर बन जाती है. यानी कि पॉजिटिव डिग्री जो भी होगी उसमें हम ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी और ईएसटी लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी. ज्यादातर डिग्रीज इस तरह से बनती है. दूसरा देखिए फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, यहां पर भी हमने यही रूल फॉलो किया है, ईआर लगाया है, ईएसटी. उसके बाद टॉल, फिर टॉलर और फिर टॉलेस्ट, लंबा, थिन, पतला, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवर मैंने चालाक, क्लेवरर, इट इज क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, देन पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, देन वी कम टू स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. वाइज कहते हैं बुद्धिमान. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट मैंने छोटा. वीक, कमजोर, वीकर, वीकेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दियस्ट, सेहतमंद, हेल्दी मैंने सेहतमंद. मैंने जो आसान आसान थे उनकी हिंदी मैं ये मानकर चला हूं कि आपको आती है. इज इट क्लियर? तो ये आपको याद करनी है. बिना इनको याद करे आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना नहीं सीख सकते. आप इसका एक पिक ले सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं बाद में. यू कैन टेक अ पिक ऑफ इट. मैं इनको रब कर देता हूं. कुछ और इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारी डिग्रीज होती है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. उसको मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी है और किस तरह से आप उन्हें याद रखें. आप देखिएगा एक एक डिग्री है गुड. गुड कहते हैं अच्छा. इसकी जो कंपैरेटिव है वो ईआर लगाकर नहीं बनती है बल्कि उसमें हम एक नया ही वर्ड लेकर आते हैं, वो होता है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट. इसी तरह खराब, बैड, इसको जाएगा वर्स. खराब उससे ज्यादा खराब और वर्स्ट, W O R S T, वर्स्ट, सबसे ज्यादा खराब. वेल,
क्या कहते हैं अच्छे को और बेटर उससे बेहतर और बेस्ट सबसे बेहतर, ये कॉमन हो गई यहाँ पर एक जैसी होती है। इसके अलावा कुछ डिग्रीज हमारी ऐसी होती हैं जो आम तौर से ना तो ई आर लगाकर उसका कंपैरेटिव बनता है और ना ई एस टी लगाकर उसका सुपरलेटिव बनता है। जैसे है ब्यूटीफुल, तो इसका बनेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल देन मोर ब्यूटीफुल एंड देन मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से आपका है पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर का भी ऐसे ही है, वो भी मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। आप समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडियस, स्टूडियस यानी कि पढ़ाकू, खूब पढ़ने वाला, इसका भी ऐसे ही बनेगा मोर स्टूडियस और मोस्ट स्टूडियस। इसके बाद आता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। यहां पर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे याद रखिएगा, वो ये है कि ब्यूटीफुल, पॉपुलर, स्टूडियस, इंटेलिजेंट, इसके अलावा यूजफुल भी है और भी कुछ है। इनमें याद रखने वाली बात यह है कि ब्यूटीफुल आमतौर से, इससे पहले जो डिग्रीज हमने डिस्कस की हैं और याद करी हैं, वो आमतौर से जो वर्ड है वो एक ही झटके में बोला जाता है, जैसे शॉर्ट, थिन, शॉर्ट, थिन, गुड, बैड, हम कहीं रुके तो नहीं इन लफ्जों को बोलते हुए, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल बोलेंगे तो हमें रुकना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, पॉप्यूलर, स्टूडियस, इंटेलिजेंट, ऐसे कहना पड़ेगा हमें, यानी कि लफ्जों के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। ये सिलेबल कहलाते हैं, एवरी वर्ड हैज गॉट सिलेबल्स, इसमें सिलेबल यानी कि दो है, यानी कि दो टुकड़े करके बोला जाएगा। ये वी कांट स्पीक इट स्मूथली इन वन गो, वी हैव टू स्टॉप इन बिटवीन, हमें बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, पॉप्यूलर, स्टूडियस, इंटेलिजेंट, यूजफुल, समझ गए ना। तो जो एडजेक्टिव इस तरह से बोले जाते हैं वो आमतौर से मोर कंपैरेटिव में लेते हैं और मोस्ट लेते हैं सुपरलेटिव। इज इट क्लियर? तो आपको ये डिग्रीज अच्छी तरह से आपने देख ली होगी, इनको भी चाहे उतार लें, आप उतारना चाहें तो इनको उतार सकते हैं, राइट। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंसेस पर कि हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस। अब जो मुद्दे की बात है, जो मेन बात है, हम सेंटेंसेस में किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करेंगे, कैसे हमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है और हमें अपनी रिटन इंग्लिश में या जहां जहां पर भी इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है वहां पर हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जरा वो ही देख लेते हैं। सेंटेंस है, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल इन उज्जैन। ये सेंटेंस कौन से डिग्री में है, सबसे पहले तो हमें यही तय करना पड़ेगा। व्हेनेवर वी कम अक्रॉस एनी सेंटेंस इन एग्जाम, जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आएगा तो हमें ये तय करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री की खास बात ये होती है कि अपने से पहले द लगती है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले द लेती है हमेशा, ऑलवेज, नेवर फॉरगेट टू पुट द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री द। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है और इसकी हिंदी ये है कि ये उज्जैन का सबसे बड़ा टेंपल है, इससे बड़ा टेंपल कोई उज्जैन में है ही नहीं, है ही नहीं भाई कोई। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इससे बड़ा कोई टेंपल है ही नहीं। तो हमें इसे, ये सुपरलेटिव में है, हमें इसे
पॉजिटिव में चेंज करना है, काम ही चेंज करना है, वी हैव टू चेंज दिस इनटू पॉजिटिव। तो कैसे करेंगे? नो अदर टेंपल, नो अदर टेंपल इन उज्जैन, यह जो जैन को हम बाय कर सकते हैं, नो अदर टेंपल इज एज बिग एज दिस इन उज्जैन, नो अदर टेंपल इज एज बिग एज दिस इन उज्जैन। ये एज बिग एज को आप याद रखें, व्हेनेवर यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव डिग्री, तो ये डिग्री जो बिग है ना, ये दो एज के बीच में आएगी, और मीनिंग इसका ही कोई निकल के आ रहा है जो ऊपर वाले सेंटेंस का है। कोई भी टेंपल इज एज बिग एज, इतना बड़ा नहीं है, एज दिस जितना बड़ा कि ये है, कहां पर? इन उज्जैन, उज्जैन में। तो मीनिंग दोनों का सेम निकल कर आ गया। ठीक, अब हम बनाते हैं इसका कंपैरेटिव। जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज बिगर, बी आई डबल जी बी आर, ऐसे बनती है ना कंपैरेटिव, बी आर लगाते हैं, दिस इज बिगर देन। और कंपैरेटिव की खास बात यह है कि टी एच ए एन, ये हमेशा टी एच ए एन इसमें हम लगाते हैं, इसको याद रखना है। व्हेनेवर वी हैव टू मेक अ कंपैरेटिव सेंटेंस और अ सेंटेंस इन विच वी यूज कंपैरेटिव वर्ड, उसमें देन लगाना कंपलसरी है। जैसे यहां पर द लगाना कंपलसरी है सुपरलेटिव में, दिस इज बिगर देन एनी अदर टेम्पल इन उज्जैन, दिस इज बिगर देन एनी अदर टेम्पल इन उज्जैन। तो ये तीनों का मीनिंग एक ही हो गया। देखने इसको, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल इन उज्जैन, ये उज्जैन का सबसे बड़ा मंदिर है, ये सुपरलेटिव। जब बनाएंगे पॉजिटिव, नो अदर टेम्पल इज एज बिग एज, कोई भी टेम्पल इतना बड़ा नहीं है, एज दिस इतना कि ये है, कहां पर? उज्जैन में। और जब बनाएंगे हम कंपैरेटिव, तो दिस इज बिगर देन, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहां पर इसे दिस टेम्पल करते हैं, दिस टेम्पल और क्लियर करते हैं, दिस टेम्पल इज बिगर देन एनी अदर टेम्पल इन उज्जैन, उज्जैन के किसी भी अन्य मंदिर से ज्यादा बड़ा है। तो तीनों का जो मीनिंग है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमें डिग्री को चेंज करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि इनका मीनिंग ना बदलने पाए। एक और सेंटेंस भी आप देख सकते हैं इसके अलावा, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन में से एक, सबसे बेहतरीन नहीं है, हालांकि वो है सबसे बेहतरीन, लेकिन और दूसरे बल्लेबाजों की मौजूदगी में हम यही कहेंगे कि बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। भाई वर्ल्ड के टॉप मोस्ट थ्री बैट्समैन में तो आता ही है ना वो, लेकिन यहाँ के सेंटेंस में समझने के लिए हमने यहाँ जानबूझकर वन ऑफ द बेस्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर याद रखना है आपको, जब द आ गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है सेंटेंस, एक बात को ये क्लियर हुई, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरी बात यह है कि जब वन ऑफ द हम लगाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट, वन ऑफ द पुअरेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट, कुछ भी लगाएंगे, तो हम इसके बाद जो नाउन इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल में ही करेंगे। हमने एम ए एन मैन ना लगाकर एम ई एन मैन लगाया है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे आप। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, हमें इसका बनाना है क्या? पॉजिटिव बनाते हैं। इसका जब पॉजिटिव हम बनाएंगे तो कहा ये जा रहा है कि विराट कोहली भारत दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक,
तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन और भी हैं और उनमें से विराट कोहली भी एक है। देखिएगा, वेरी फ्यू बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आर, इसके बाद पूछा जाएगी, एज गुड एज विराट कोहली। इसका जो ये पॉजिटिव और ऐसे बनेगा, वेरी फ्यू बैट्समैन, बहुत कम बल्लेबाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, आर एज गुड एज, इतने अच्छे हैं, बहुत कम बल्लेबाज इतने अच्छे हैं जितना कि विराट कोहली हैं। भाई और भी अच्छे हैं, उनमें विराट कोहली भी एक है, सबसे अच्छा विराट कोहली नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। तो एज गुड एज, फिर आपने देखा ये दो एज के बीच में आपका क्या आ गया, गुड आ गया, यानी कि डिग्री आ गई। बेस्ट की जो डिग्री होती है पॉजिटिव, वो क्या होती है, गुड ही होती है, अभी बताई थी मैंने आपको। इसके बाद हम कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव वो बनेगा विराट कोहली, विराट कोहली इज, बताइए जरा गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, बेटर, बेहतर है। भाई किससे बेहतर है, सबसे बेहतर तो नहीं है ना, इन दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है, बेटर देन लगाना जरूरी है, मोस्ट अदर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर बल्लेबाजों से अच्छा है, ज्यादातर से अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। तो तीनों सेंटेंस को हमने मैश कर दिया, इनके मीनिंग को भी चेंज नहीं किया है और इसी बात का हमें ख्याल रखना है। एक और इसका पैटर्न है, वो भी देख लें आप, ये दो पैटर्न बताए थे मैंने आपको, ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से आप सेंटेंस आपसे पूछे भी जाते हैं और आपको बनाने ही पड़ेंगे। एक और आता है इसमें, वो भी देख लें, वो ये है कि एशिया इज लार्जर देन यूरोप। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि ये वी हैव टू मेक इट आउट कि ये कौन से डिग्री में दिया हुआ है, लार्जर आ गया ना, तो ये कंपैरेटिव है और कंपैरिजन भी दो के बीच में है, एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है और यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का नाम है। तो एशिया बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, यूरोप से बड़ा है। अब इसको हम सुपरलेटिव तो बना नहीं सकते, सुपरलेटिव में तो आमतौर से हम एक ही नाउन होता है, कंपैरिजन भी होता है इस तरह से, तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पूछा जाता है आमतौर से। तो इसका पॉजिटिव बनेगा, यूरोप इज नॉट, इसमें नॉट लग जाएगा, इसमें खास बात जो समझाने वाली है वो ये है और समझने वाली कि इसमें नॉट लग जाएगा, नॉट सो लार्ज एज, ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, पहले सो वहां पर आया था एज, जो भी डिग्री थी दो एज के बीच में डिग्री थी, जब यहां नॉट आ जाएगा तो यहां एक तरफ सो और एक तरफ एज, नॉट सो लार्ज एज एशिया, यानी कि यूरोप इतना बड़ा नहीं है जितना कि एशिया, और यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि एशिया ही बड़ा है, किससे, यूरोप से, तो हमने मीनिंग यहां पर भी चेंज नहीं किया। और देखने से दिस, यू आर वीकर देन मी, आप मुझसे ज्यादा कमजोर हो, यू आर वीकर देन मी, आप मुझसे ज्यादा कमजोर हो। देखिए कि हिंदी को ट्रेस आउट करना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंटेंस बिल्कुल ठीक बन जाए तो इनकी हिंदी जानना बेहद जरूरी है। तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो, और पहले हिंदी में ही चेंज करने की कोशिश करें अपनी मदर टंग में, यानी कि मैं तुम जितना कमजोर नहीं हूं, क्या कह रहा है, तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो, यू आर वीकर देन मी, यानी कि मैं तुम जितना कमजोर नहीं हूं, तो आई एम नॉट सो वीक, बताया था मैंने आपको, सो वीक एज यू,
जब इसको हम बी को शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट की तरह फ्रेंड्स को आई में कन्वर्ट करते हैं, आई एम नॉट सो वीक एज यू, मैं तुम जितना कमजोर नहीं हूं। एक सेंटेंस को और देख लीजिए, शी इज बेटर देन यू, चलो यू करें, वह तुमसे मोटी है, वह तुमसे ज्यादा मोटी है, she is fatter than you, यानी कि तुम उतने मोटे नहीं हो जितनी कि वह है, तो इसमें क्या करेंगे, you are not, और फिर so fat as her कर दे, अजीब लिखने में तब भी सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये तीन तरह का पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, देख लें, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में, स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में, हर कहीं जरूरत पड़ने वाली है आपकी। ओके, सो दिस ऑल फॉर द डे, लेकिन जाने से पहले बता दूं इसकी एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे, कुछ सेंटेंसेस हम इसी तरह बोर्ड पर आपके साथ करेंगे अपनी अगली किसी वीडियो में। ओके, दिस ऑल फॉर द डे, बाय बाय।